हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया हूँ एकदम। आज जो हम लेक्चर लाए हैं वो रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 9 है, और लेक्चर नंबर 9 समझने के लिए लेक्चर नंबर 8 बहुत अच्छे से देखा होना चाहिए। तो अगर रोटेशनल मोशन 08 आपने देखा है तो इसको बिगिन करें, नहीं देखा है तो अगर आपको टाओ इज इक्वल्स टू आई अल्फा एकदम 100% क्लियर है, आपको पता है कि एक घूमते हुए रॉड के पास किस किस तरह की एक्सेलरेशन होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा कैसे कैसे लगाते हैं एक गिरते हुए रॉड पे या एक सिस्टम पे, ये सब आता है। तो इस टॉपिक पे आप आइएगा। मेरे पीछे जो क्वेश्चन है वो जेई 2002 में आया था और काफी प्यारा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज ये, और इस क्वेश्चन के लिए कह सकते हो पूरा लेक्चर है कहने को। वैसे जो टॉपिक है वो है हिंज फोर्सेस निकालना। हिंज फोर्सेस, जब किसी चीज को हम बांधते हैं कहीं से तो वो कौन सी फोर्स लगाता है। जैसे आप देख रहे थे रॉड को मैंने कहीं पे बार बार बांध दिया, एक रॉड लिया, जैसे इस सिस्टम को मैंने यहाँ पे बांध दिया, तो भाई जब भी कोई चीज किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो रिएक्शन फोर्स आता है, उसी को हम बोलते हैं हिंज फोर्स। तो ये लेक्चर टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा पे आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसी चीजें क्लियर करेगा और हिंज फोर्सेस निकालना सिखाएगा। तो देखिए इस वीडियो को, ले लीजिए हाथ में कॉपी और पेन भैया, और अगल बगल कोई भी बदमाशी करना बंद कर दीजिए और एकदम ध्यान देके लेक्चर को देखिएगा। एक टर्न में करने की कोशिश करिए, कई जगह कोशिश करिए कि पॉज करके आप लेक्चर को खुद से सॉल्व करें। स्पेशली जब ये क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली ट्राई करें, लास्ट में आएगा कि आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करें। तो मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा और आपका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला। और आज जो पहला क्वेश्चन है इसको समझने के लिए आपका पिछला वीडियो मतलब रोटेशनल मोशन 08 देखा होना जरूरी है। तो यहां पे मैंने एक रॉड ले लिया जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये रॉड यहां पे पाइवेटेड है। इस रॉड पे मैंने इस जगह पर एक फोर्स लगाई है f। इस फोर्स को लगाने से ये रॉड घूमने लगेगा, यहां पे पाइवेटेड है, इस जगह से बंधा है, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा। हमसे पूछ रहा फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ रॉड, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा हमसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इनिशियली, और थर्ड पार्ट में पूछ रहा रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय हिंज। हिंज मतलब जहां से वो बंधा है, पाइवेट जहां पे वो बंधा है, टू द रॉड, रॉड पे कितनी रिएक्शन फोर्स लगा रहा पाइवेटेड पॉइंट। तो ये हिंज फोर्स निकालने के लिए प्रोसीजर है, उसको ध्यान से देखो। पहले तो पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो बच्चों कोई आपसे एक्सेलरेशन पूछता था तो आप क्या करते थे, फोर्स डिवाइड बाई मास। अब एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो क्या करोगे, फोर्स की जगह कौन आ जाता है, टॉर्क। मास की जगह कौन आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये लीनियर की कहानी, ये रोटेशनल की। रोटेशनल में फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमें कहीं ना कहीं ये इक्वेशन देखनी होगी, टाओ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इसका यूज करना है। तो आइए इस इक्वेशन का यूज करें क्वेश्चन में। सो हम लिख लेंगे टाओ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। बच्चों आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये प्लेन के अंदर जा रही और बाहर आ रही। बच्चों इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 3। ये आपने पढ़ रखा है, ये नहीं आता तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3-4 वीडियो किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, सब कुछ समझाया है। तो आप i की जगह लिख लोगे ml स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा, और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या है, r क्रॉस f। r होता है फोर्स का डिस्टेंस पाइवेटेड पॉइंट से। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो गया, L हो गया, तो हम लिख लेंगे L into F is equals to ml square बटे 3 into alpha। यहां से L से L मर गया, अल्फा की वैल्यू आई 3F बटे m L। मिल गया अल्फा भाई, 3F अपॉन m L। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, आंसर इज 3F अपॉन m L। क्लियर है अल्फा कैसे निकाला, टाओ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आर क्रॉस एफ।
ये हो गया R, ये हो गया F, इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो क्रॉस में आएगा ए बी साइन 90, साइन 91 हो गया, तो ये हमने लिख लिया। I की वैल्यू इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितनी होती है एम एल स्क्वायर बाई 12 रॉड के लिए, और यहां से एम एल स्क्वायर बाई 3 लगा के मैंने अल्फा निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इनिशियली, जरा इसको ध्यान से करना, सेकेंड पार्ट को बहुत ध्यान से। मैं इस रॉड को लेता हूं और आपको इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में, तो मान लेते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में रॉड यहां पे है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब हमने हिला दिया ओरिजिनल पोजीशन से, एक्चुअल में तो यहीं पे होगा, थोड़ा सा मैं हिला दे रहा हूं ताकि आपको फील तो आए कि हुआ क्या है ये, ठीक है, बहुत थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, बहुत ही थोड़ा सा, ऐसी माना है सिर्फ, इनिशियली बात की है टी इज इक्वल टू जीरो पे। ये रहा रॉड का सेंटर ऑफ मास बच्चों, इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो बच्चों रॉड पे फोर्स इस तरह से लग रही है तो रॉड ऊपर जाएगा, है ना, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए टी से वो ऊपर जा रहा, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको हम बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। भाई मान लो रोटेशन की कहानी आपको नहीं पता होती, हम बोलते किसी रॉड पे फोर्स एफ लग रही, तो आप इसके लिए क्या लिखते, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन लिखते, एम होता है इसका टोटल मास और ए किस चीज का एक्सेलरेशन होता, ए होता इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, है कि नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए टी, एक तो ये कहानी हो गई। अच्छा तो ए टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, अगर बच्चों रोटेशनल मोशन चल रहा है जो कि चल रहा है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा, हमने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच की रिलेशन, जैसे v इज इक्वल्स टू r ओमेगा पढ़ा होगा आपने, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन और यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन, सो at की वैल्यू हो जाएगी r अल्फा। r क्या होता है बच्चों, r होता है जिस पॉइंट पे at निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस पाइवेटेड पॉइंट से, मतलब कितना हो जाएगा l बाई। एक बात समझो, जो ये 80 है ना, ये अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होगा, जैसे इस पॉइंट का देखो 80 अलग होगा, यहां r की वैल्यू बढ़ जाएगी। अल्फा तो सभी पॉइंट के लिए सेम होता है रोटेशन में, बार बार बता रहा हूं बेसिक चीजें, पहला क्वेश्चन है फिर से समझाता हूं, अल्फा सारे पॉइंट्स का सेम होता है, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे ये वाला पॉइंट मान लो 10 डिग्री ऊपर गया तो ये हाइट तो ज्यादा ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट डेफिनेटली जब ये उठेगा तो ये वाला पॉइंट हाइट तो ज्यादा ऊपर जा रहा, पर एंगल वाइज तो ये भी 10 डिग्री ऊपर गया, एंगल वाइज ये वाला पॉइंट भी 10 डिग्री, ये वाला पॉइंट भी 10 डिग्री, ये वाला पॉइंट, सब एंगल वाइज तो बराबर एंगल चल रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सभी पॉइंट का जो इस बॉडी पे होंगे उनका सेम होगा। इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसका भी अल्फा, इसका भी अल्फा, जैसे मान लो हम बोले एक सेकंड में ये वाला पॉइंट 10 डिग्री ऊपर गया, एक सेकंड में 10 डिग्री, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई 10 डिग्री इन वन सेकंड, ये पॉइंट भी कितना ऊपर गया 10 डिग्री, कितने टाइम में एक सेकंड, सब बराबर से चल रहे ना देखो एंगल, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह सेम होगी, पर लीनियर एक्सेलरेशन बच्चों सबकी डिफरेंट होगी, लीनियर एक्सेलरेशन है आर अल्फा और आर होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से नहीं, किससे एक्सिस से, तो यहां r की वैल्यू l बाई 2 और अल्फा की वैल्यू है 3f बाई एम एल, एल से l मर जाएगा 3f बाई 2m, सो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड मिला, क्या मिला a टेंजेंशियल मिला, लिखो अभी बताते हैं क्यों, कितना 3f बाई 2m। अब सेंटर ऑफ मास के पास एक नहीं दो एक्सेलरेशन होगी, सुनो अब इमेजिन करो, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर बनाया, इमेजिन करो जब फोर्स लगाओगे तो ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में चलेगा, एक्चुअल में तो सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ में चलेंगे, है कि नहीं, एक एक पॉइंट इसका सर्कल में ही तो चलेगा, इस पे फोर्स लगाओगे सब किस में चल रहे हैं सर्कल में। बच्चों कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में चलता है तो उसके पास एक फोर्स होती है और एक एक्सेलरेशन होती है, कौन सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब इस पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन और होगी जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, कौन सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये मान लो ये है वो पार्टिकल, एक तो इसके पास है ये वाली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से, और एक एक्सेलरेशन होगी क्योंकि इसकी स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा, कौन सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो होगी ही होगी।
अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल तो होनी ही होनी है। तो दूसरी एक्सेलरेशन हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो किधर लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो एक हो गई इस फॉर्म में, सेंटर के फॉर्म में यानी रेडियल फॉर्म में, एसी बोलते हैं एसी को ए आर, और एक होती है ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल का रिलेशन आर अल्फा, एसी का फॉर्मूला वही है क्या, आर ओमेगा स्क्वायर, या और क्या लिखते थे अपन, वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बच्चों इन्होंने कहानी में हमसे बोल दिया है इनिशियली, इनिशियली बच्चों इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियली एकदम स्टार्ट हुआ, खटक खटक फोर्स जैसे ही लगाया तुरंत एक माइक्रो सेकंड तो लगेगा वेलोसिटी आने पे, पर ये तो इनिशियली बोल रहे हैं। तो इनिशियली ओमेगा जीरो और इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो। तो रॉड के पास जो दूसरा सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो है। तो ओवरऑल अभी भी हमसे कोई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोले, हम बोलेंगे 3F by 2M वर्टिकली अपवर्ड्स इनिशियली। अगर थोड़ा सा समय बीत जाता, अगर थोड़ा सा समय बीत जाता तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी रख के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते, तब इस सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन होती, ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल। तब आप इसका नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना, दो परपेंडिकुलर चीज वेक्टर का सम, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गई बात, पक्का एकदम, अच्छा मिटा दें, ओके। थर्ड पार्ट ध्यान से देखो, रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय हिंज पाइवेट टू द रॉड, क्या ये हिंज रॉड को कोई रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा होगा, रॉड इससे बंधा हुआ है ना, कोई चीज किसी के कांटेक्ट में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगता ही है, रिएक्शन फोर्स तो आती है। देखो पहली प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा सर, जैसे मान लो हम बोलते ये सरफेस है, ये बॉडी रखी है, आपसे पूछते इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, आप सीधा बोल देते ऐसे लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। हम बोलते ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ये मास एम रखा है, हम पूछते नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, आप बोलते सरफेस के परपेंडिकुलर, प्रॉब्लम सॉल्व। यहां पे रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगी, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, है ना, किस तरह से लगेगी हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट मानते हैं और दोनों को परपेंडिकुलर, सिर्फ माना है, सिर्फ माना है। हम मानते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा एन वन और एक ऐसे लग रहा एन टू, आपकी मर्जी है किसी भी दो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मान लो, भाई इससे ज्यादा कंपोनेंट किसी फोर्स के हो ही नहीं सकते, दो ही डायरेक्शन तो जाएगा, 3D में तो फिगर नहीं है। तो हमने माना एक एन वन एक एन टू, आप चाहो तो एन वन को इधर मानो एन टू को इधर, उससे दिक्कत नहीं है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान लो। अब रॉड का एफबीडी बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो एक फोर्स एफ ऐसे लग रही और हमने माना है नॉर्मल रिएक्शन एन टू ऐसे लग रहा माना है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ए टी। अब इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, दो फोर्स ऊपर लग रही तो एन टू प्लस एफ टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है बोलो, एन टू प्लस एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ऊपर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एन टू प्लस एफ और ए टेंजेंशियल कितना है 3F बटे 2M, M से M मर गया 3F by 2, so N2 की वैल्यू हो गई 3F by 2 minus F, तो ये जाएगा 2F, 3F minus 2F is F by 2, so normal reaction इस तरफ कितना लग रहा, sorry ऊपर वाला कितना आ गया 3F by 2, तो पहला normal reaction जो ऊपर की तरफ है that is 3F by 2 normal reaction। ये हिंज इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर 3F by, sorry, छिछी कितना F by 2, कैसे किया, ये फोर्स ऊपर हमने मानी खुद से, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आगे और क्वेश्चन आएंगे समझ में आता जाएगा, फोर्स F, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो दिया था हमने रख लिया और ये इधर गया माइनस हुआ और F by 2 आया, ठीक। अब N1 निकालते हैं, ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब N1 की तरफ चलते हैं, इसका फिर से FBD बनाते हैं x डायरेक्शन का, y का बना लिया x का, ये लग रहा N1, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास और ये थी इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, सो फोर्स इधर है एक्सेलरेशन इधर है, कोई दिक्कत नहीं। N1
इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू ए सी, है ना, क्योंकि फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो नेगेटिव साइन आ गया। बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि इनिशियली कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था आर ओमेगा स्क्वायर। इनिशियली उसने बस चलना स्टार्ट किया है तो ओमेगा जीरो है, तो ये जीरो। इसका मतलब एन वन की वैल्यू कितनी आनी है, जीरो। सो दो नॉर्मल रिएक्शन थे, उसमें से एक आ गया जीरो, सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, एफ बाई टू। इसमें भी वही बात है, हो सकता हो दोनों की अलग अलग वैल्यू आती, तब आप क्या करते, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते कि नहीं, दो परपेंडिकुलर फोर्स, नेट नॉर्मल रिएक्शन या नेट रिएक्शन निकालने के लिए। क्लियर है, मैं अगला सवाल दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए इसी बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं हिंज फोर्सेस पे। करते करते हमें पहुंचना है जेई 2002 के सवाल पे जो कि हिंज फोर्स पे बेस था, तो करते 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 हम पहुंचते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल में सारे पार्ट सेम रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के सारे पार्ट सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं। पहला पार्ट रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली, और तीसरा रिएक्शन फोर्स। तो नेक्स्ट सवाल में मैंने क्या किया, दो चेंजेस करूंगा, एक तो यहां पे लगाया पाइवेट मिड पे एकदम, मास एम लेंथ एल, और पाइवेट लगा है एल बाई टू पे, एकदम मिड पे लगा है, और जो फोर्स है बच्चों वो कुछ ऐसे लग रही एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फोर्स अप्लाई की हमने एट सम एंगल। सारे पार्ट फिर से सॉल्व करने हैं, तो एक बार खुद से ट्राई कर लो पॉज करके दो मिनट में, फिर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है ना, कर लिया ट्राई, तो मुझे लगता है अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। चलिए इसको अब हम बताते हैं कैसे करना है। इसको यहां पे बनाएंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इस तरफ आएगा एफ कॉस 37, और ये वर्टिकल में कितना आएगा, ये वाला एफ साइन 37, ठीक है, 37 वाला ट्रायंगल सबको याद होगा अब तक, 37 में ये 3, ये 4, ये 5, तो साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5, सो दिस विल बी 3/5, दैट इज 3f/5, कॉस 37 कितना हो जाएगा, 4/5, सो दिस विल बी 4f/5। ये दो फोर्सेस इस पे लग रही हैं, यहां नहीं सॉरी, कहां पे है हिंज, ये सेंटर ऑफ मास पे हिंज है। अब ये इसकी वजह से घूमेगा, हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बटे 12, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ml स्क्वायर बटे 12 इनटू अल्फा, और टॉर्क की जगह r क्रॉस f। बच्चों r फोर्स का डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सही डिस्टेंस कितना हो गया l/2, सो l/2 इंटू f इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बटे 12 इंटू अल्फा, L से L मर जाएगा, 2 6 12, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है, बोलिए अल्फा आएगा 6f/ml, 6f/ml यही आएगा, I की जगह ml स्क्वायर बटे 12, l/2 इंटू एफ, एल से एल कैंसिल, 2 6 12, 6f/ml। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, अल्फा हमें मिल गया है 6f/ml। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इनिशियली, इनिशियली शुरुआत में सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास है, इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, अब तो क्लियर हो गई होगी बात, एक होंगे कि दो, दो होंगे, तो मैं इसके दो एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लूं, ये एक एक्सेलरेशन ऐसा मान लिया ए टेंजेंशियल, और ए सेंट्रीपिटल तो इसमें होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, सेंट्रीपिटल किधर लगता है घूमते वक्त, टुवर्ड्स द सेंटर, घूमते वक्त सेंट्रीपिटल कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सोचो ये थोड़ा आगे घूमा तो भाई इसका सेंटर तो यही रहेगा ना, ये घूमता रहेगा, इसका सेंटर तो ये खुद ही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लगेगा इसमें,
कोई जगह ही नहीं है, इसका सेंटर तो यहाँ खुद ही है ना। सो अपने आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। दूसरा ए टेंजेंशियल, बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था आर अल्फा। आर क्या होता था? उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे ए निकालना है, किससे? सेंटर ऑफ मास से नहीं, किससे? जहां से रोटेट हो रहा है, यहीं से रोटेट हो रहा है। तो आर की वैल्यू जीरो हो गई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो। सो भैया टेंजेंशियल भी जीरो और सेंट्रीपिटल भी जीरो। एक बात मेरी याद रखना, जब जब आपको प्योर रोटेशन दिखे लाइफ में जब जब प्योर रोटेशन दिखेगा, जब जब प्योर रोटेशन दिखेगा बच्चों, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो होगा। अगर प्योर रोटेशन हो रहा, क्या हो रहा? प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर प्योर रोटेशन हो रहा किधर? अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो ये प्योर रोटेशन है, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो भाई सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन तो दूर दूर तक सोचो भी नहीं। सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहा। पिछले वाले केस में प्योर रोटेशन था पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं था, यहां से था, तब सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा था, घूम रहा था। यहां तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे है, बाकी सारे पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास के अगल बगल सर्किल में घूम रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास जब हिला ही नहीं तो उसके दोनों एक्सेलरेशन, समझा भी दिया मैंने, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो सेंटर खुद ही है यार, कहां लगेगा? जीरो। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा भी जीरो है इनिशियली, इसमें तो बाद में भी नहीं आएगा, इनिशियली क्या फाइनली भी, इसके दोनों एक्सेलरेशन जीरो रहेंगे, चाहे इनिशियली पूछे चाहे सिर्फ ये सवाल होता, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, द होल एक्सेलरेशन एटी हो या एसी हो जीरो। सोच के देखो, एटी की वैल्यू आर अल्फा। अब यार ये घूमेगा, ये थोड़ी ना आगे बढ़ेगा, क्या ये पॉइंट ऊपर जाएगा कहीं? फिक्स है यार, वो पॉइंट रुका हुआ है, उसको ऐसे दबा के मैंने पकड़ा हुआ है, तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर भी जीरो, इधर भी जीरो। क्लियर है? हाँ, अगर आपसे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछे तो आप निकाल सकते हो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। खैर, रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाई हिंज या पाइवेट टू द रॉड, तो क्या ये भी जीरो होगा क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन जीरो हैं? आइए डायग्राम बना के समझ में आएगा, एफबीडी बनाएंगे, है ना, फोर्स का डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि क्या रिएक्शन फोर्स मिल रही। तो हम दो रिएक्शन फोर्स मानेंगे, मान लें एक ऊपर की तरफ मान लेते हैं एन वन, एक आगे की तरफ मान लेते हैं N2। आप किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दो परपेंडिकुलर। अब देखो इस रॉड का मैं FBD बनाऊं, तो एक फोर्स ऐसे लग रही थी F sin 37, यानी कितना आया था 3F/5, और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन N1, और ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन A टेंजेंशियल कितना आ रहा? जीरो। यहां से इसकी इक्वेशन बनेगी N1 + 3F/5 = मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज जीरो। सो N1 की वैल्यू मिली -3F/5, मतलब इस बार नॉर्मल रिएक्शन हमने जैसे सोचा वैसे नहीं लग रहा, उसके उल्टे डायरेक्शन में लग रहा, नीचे की तरफ। क्यों? आपने इधर से फोर्स लगाई, हिंज ने नीचे फोर्स लगाई, तभी तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहा, वरना ये ऊपर उठ जाता सेंटर ऑफ मास। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जब जीरो होगी तभी तो सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, वरना सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ जाता। तो हिंज ने नीचे की तरफ फोर्स लगाई, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई। दूसरा हमको N2 निकालना है, तो इसका डायग्राम फिर से बनाएंगे। इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट F cos 37, और ये कितना था F sin 37। cos 37 था हमारा 4/5, सो 4F/5, और नॉर्मल रिएक्शन हमने ऐसे बनाया है N2। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल कितना था? जीरो। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो N2 आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ -4F/5, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी जीरो। किसका? सेंटर ऑफ मास का। नेट फोर्स किस पे लगती है? सेंटर ऑफ मास पे लगती है। यहां से N2 की वैल्यू आई 4F/5, और पॉजिटिव आई, मतलब जो डायरेक्शन सोचा था वो सही है, N1 का डायरेक्शन जो सोचा था वो गलत है। So, जो रिएक्शन फोर्स है वो दो डायरेक्शन में है, जो रिएक्शन फोर्स है वो दो डायरेक्शन में है। हम रिएक्शन फोर्स की बात करें तो वो दो डायरेक्शन में है, एक तो इस तरफ है 4F/5, और एक नीचे की तरफ है 3F/5। अब हमसे कोई पूछे टोटल रिएक्शन फोर्स, तो इनके बीच से कहीं निकलेगी नेट रिएक्शन, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों नेट रिएक्शन दो परपेंडिकुलर फोर्स का रिजल्टेंट?
नेट रिएक्शन फोर्स बोलो अंडर रूट एन वन का स्क्वायर प्लस एन टू का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे आप तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर नाइन, एफ स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, एफ स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव पच्चीस, तो नौ और सोलह पच्चीस, पच्चीस बाई पच्चीस कट गया, एफ स्क्वायर का बाहर आएगा एफ, सो व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाई हिंज टू द रॉड एफ, ठीक है ना। कोई वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आप बता दोगे कि रिएक्शन फोर्स कितनी है, फोर एफ बाई फाइव आई कैप माइनस थ्री एफ बाई फाइव जे कैप, ये हो गई वेक्टर फॉर्म में रिएक्शन फोर्स। नेट निकालना था तो दोनों का अंडर रूट एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, एन वन हो गया हमारा, इसका स्क्वायर नाइन एफ स्क्वायर बाई पच्चीस, सोलह एफ स्क्वायर बाई पच्चीस, नौ और सोलह ऐड होकर पच्चीस बटे पच्चीस कैंसिल, एफ स्क्वायर का बाहर एफ, क्लियर हो गई मेथड समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं इसका बस, फिर चलेंगे हम अपन 2002 जेईई मेंस के सवाल पे। तो हिंज फोर्स आपको अब क्लियर हो गई कैसे निकालने हैं, एक और सवाल दे रहा हूं उसमें एक नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा अगला सवाल जिसमें वही रॉड है मास M का लेंथ L का, पिछले सभी सवाल में हम मान रहे थे कि रॉड हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप की जगह पर रखा है जो फ्रिक्शनलेस है, तभी हम ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं देख रहे थे, इस बार इसको हमने टांग दिया है वर्टिकली ऐसे हवा में टांग दिया है ग्रेविटी वाले स्पेस में और इसको हमने यहां से रिलीज कर दिया है। इस तरह के सवाल पिछले वीडियो में भी हमने कराए थे, हमने आपसे इस बार फिर से पूछा फाइंड पहला पार्ट एंगुलर एक्सेलरेशन इनिशियली, जैसे ही छोड़ा वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी इनिशियली, और थर्ड पार्ट रिएक्शन ऑफर्ड By hinge या उसको हम बोल लें pivot to the stick और ये भी हम बात करेंगे initially की। तो यार ये rod होगा क्या, ये नीचे गिरेगा, क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके center of mass पे एक force लगेगी mg जिसकी वजह से ये नीचे गिरना चाहेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर torque आएगा। अब हम बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये रही इसकी एक्सिस बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट छीछी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वेयर बाय थ्री, तो एम एल स्क्वेयर बाय थ्री इंटू अल्फा हमने लिख लिया। टाउ की वैल्यू होगी बच्चों आर क्रॉस एफ, अब बच्चों ये हो जाएगा डिस्टेंस आर फोर्स और एक्सिस के बीच का, और ये हो गई फोर्स mg, तो r हो गया l बाई टू, फोर्स हो गई mg इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बटे थ्री इंटू अल्फा, m से m मरा l से एक l मरा, अल्फा की वैल्यू आएगी 3g बटे 2l। चलिए हमको अल्फा तो मिल गया इस सवाल का, अल्फा आ रहा 3g बटे 2l, इनिशियली बात की है, थोड़ी देर बाद अल्फा चेंज हो जाएगा किसी एंगल पे आने पे, अभी इनिशियली बोला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली। आइए सेकंड पार्ट पे आए, तो हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये रहा सेंटर ऑफ मास, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास इस बार किधर जा रहा, नीचे, फोर्स नीचे लग रही तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा एटी, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन करेगा है कि नहीं, जब ये नीचे गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन, तो एक फोर्स आएगी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्किल का सेंटर तो ये होगा ना, जिस सर्किल में इसके सारे पॉइंट घूम रहे हैं उस सर्किल का सेंटर तो ये पॉइंट है, तो ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर अल्फा। बच्चों फिर से हमसे बोला है इनिशियली, तो जैसे ही गिरना स्टार्ट हुआ तो एंगुलर स्पीड तो जीरो होगी, कोई स्पीड ही नहीं है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिर से जीरो, हमेशा जीरो नहीं होगी, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों आर टाइम्स ऑफ अल्फा, आर ये डिस्टेंस होगा पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से, कितना है एल बाई टू, तो एल बाई टू इंटू अल्फा,
अल्फा कितना है 3g बराबर 2l, l से l मर गया, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी l बाई टू, तो 3g बाई 2l, 4l की 2l, 2l, सो 3g बाई 4, चलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें मिल गई 3g बाई 4, सो इसकी रॉड जब फिक्स है और यहां से छोड़ेंगे तो इसको एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी 3g बाई 4 मिलेगी सेंटर ऑफ मास की, और कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, AC 0 हो गया और AT हो गया 3g by 4, डायरेक्शन क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, रिएक्शन ऑफर्ड बाय हिंज टू द स्टिक इनिशियली। मान लेते हैं हिंज से दो रिएक्शन मिल रहे हैं, एक N1 और एक N2, कैसे माना हमने परपेंडिकुलर, एक N1 एक N2, चलिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वर्टिकल फोर्सेस देखें, नीचे की तरफ लग रही mg, ऊपर की तरफ आपने मानी है कौन सी n1, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है at, क्या इक्वेशन बन जाएगी, नीचे की फोर्स ज्यादा होगी तभी तो नीचे जा रहा, mg माइनस n1 इज इक्वल टू m इंटू at, बोलो सही है, नेट फोर्स नीचे होगी तभी तो ये नीचे जा रहा, तो mg ज्यादा होगी माइनस n1 इज इक्वल टू mat, यहां से N1 की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस mat, सही बोल रहे, यहां से mg माइनस mat की वैल्यू 3g बाय 4, at की वैल्यू 3g बाय 4, तो 3mg बाय 4 और ये mg, तो क्या बचेगा mg बाय 4, यही बचेगा, यहां 4mg आएगा माइनस 3mg, mg बाय 4, तो N1 की वैल्यू हमको मिल गई जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही mg बाय 4, तो एक नॉर्मल रिएक्शन हमको मिला mg बटे 4। अब दूसरा नॉर्मल रिएक्शन निकालना है हमको, टोटल रिएक्शन फोर्स चाहिए कि नहीं, अच्छा हॉरिजॉन्टल कहानी देखो, तो इस तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है N2, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है रॉड का 0, मतलब N2 की वैल्यू कितनी होगी 0, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, बोलो बात क्लियर हुई, हॉरिजॉन्टल फोर्स N2 है, कोई और फोर्स तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है 0, तो N2 की वैल्यू 0, तो फाइनली रिएक्शन कितना ऑफर कर रहा है हिंज mg बाय 4, किस डायरेक्शन में ऑफर कर रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है, कोई गलती तो नहीं है, at की वैल्यू 3g बाय 4 रखी हुई, ऐसे किया, क्लियर है। चलिए भाई अब आपको हम ले चलते हैं जेई मेंस 2002 के सवाल पे, जो कहीं ना कहीं इन सारे कंसेप्ट्स को मिलाएगा, और तब भी वो सवाल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सवाल बन के आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या सवाल पूछा आपसे, हमसे कहा मेरे पास 3 इक्वल मास m है, 3 इक्वल मास m है जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, 3 इक्वल मास m है जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, और वो टेबल फ्रिक्शनलेस है, इन तीनों को हमने मासलेस रिजिड रॉड से जोड़ रखा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन तीनों को आपस में हमने मासलेस रिजिड रॉड से जोड़ रखा है, और मिला के ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसकी साइड है L, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे 3 मास रखे हैं, और तीनों को हमने मासलेस रॉड और रिजिड रॉड से जोड़ रखा है, रॉड का कोई मास नहीं है, M पॉइंट के अबाउट हमने इसको हिंज कर दिया है, इस पॉइंट पे हमने इसको हिंज कर दिया है, लेट अस कॉल दिस एज A, कॉल दिस एज B, दिस एज C, A पे हमने इसको हिंज कर दिया है, तीनों का मास कितना है एम एम एम, ए पे हिंज करके हमने इसको रोटेशन दे दिया हमने इसको रोटेशन, वी हैव रोटेटेड इट विथ कॉन्स्टेंट ओमेगा, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, कैसे एंगुलर वेलोसिटी से, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द हिंज फोर्स, फाइंड द हिंज फोर्स, चलो भाई ट्राई करेंगे इसको आप अपने आप, चलिए एक मिनट ट्राई कर लीजिए, हिंज फोर्स कैसे निकालेंगे सोचिए,
क्या यहां पे कोई टॉर्क होगा? क्या यहां पे कोई टॉर्क होगा? यहां कोई फोर्स ही नहीं है, यहां एक ही फोर्स है, हिंज की फोर्स। और हिंज की फोर्स को आप दो डायरेक्शन में लोगे, एक इधर ले लो एन वन, एक इधर ले लो एन टू। बोलो सही है, एक ऊपर ले लिया एन वन, इधर ले लिया एन टू। बोलिए कोई दिक्कत है? यहां तक तो क्लियर है, और कोई फोर्स तो है नहीं। अब एमजी एमजी लगाना नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कहानी चल रही, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यार टॉर्क तो जीरो होगा, क्योंकि दो फोर्सेस हैं, दोनों खुद ही एक्सिस से पास कर रही। जब फोर्स एक्सिस से पास करती है तो उस फोर्स का टॉर्क जीरो, तो टॉर्क तो है ही नहीं यहां, टॉर्क जीरो है। और ये बात ये लाइन भी बता रही थी कि उसकी एंगुलर स्पीड कैसी है, कॉन्स्टेंट। किसी चीज की एंगुलर स्पीड कॉन्स्टेंट कब होगी बच्चों? जब उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है मतलब टॉर्क नहीं है भैया, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब ही क्या है? कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब क्या है? एंगुलर स्पीड क्या है इसकी? कॉन्स्टेंट मतलब देयर इज नो चेंज इन एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो टॉर्क जीरो, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। चलो तो मतलब घुमा फिरा के हमें ये चीज समझ में आ रही, टॉर्क तो जीरो है, कोई फोर्स बना भी नहीं पा रही, और ये बात इन्होंने लिख के भी दी है, फिर भी हिंज फोर्स तो पूछी है। अच्छा अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे आते हैं और देखते हैं दो एक्सेलरेशन को। दो एक्सेलरेशन होगी, ये ऐसे सर्किल में घूम रहा है ना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को सिर्फ कंसिडर करूं तो ये ऐसे देखो यहां पे फंसा के इसको जूम 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 ऐसे पूरे घुमाया, मतलब सेंटर ऑफ मास एक सर्किल में जा रहा है इस तरह के जूम जूम जूम। तो सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स इधर लगेगी, कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन जो बोल लें, लगेगी नहीं? देखो ये सर्किल बन रहा, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास घूम रहा, ये से जाएगा सुख सुख, तो ये लगेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक तुम मान लोगे कौन सी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस तरफ भाग रहा ना, तो इस तरफ आपने एक मान ली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल इधर तो नहीं लगेगी, क्लियर है ना कंसेप्ट? सर्किल में घूम रहा, तो ये लगी सेंट्रीपिटल। ये पॉइंट देखो, सर्किल में घूम रहा, सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर की तरफ, ये टेंजेंशियल। बच्चों ए टेंजेंशियल की वैल्यू होती है आर अल्फा, ठीक है ना, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बोलो आर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों इसका अल्फा तो जीरो है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस बार जीरो हो गई, इस बार सेंट्रीपिटल जीरो नहीं हुई बल्कि टेंजेंशियल जीरो हो गई, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, सो ये वाली एक्सेलरेशन हो गई जीरो। चलो ठीक है, अब आई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या होता था? इसका डिस्टेंस कहां से? रोटेशनल एक्सिस से। इस पॉइंट का डिस्टेंस जहां का एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, रोटेशनल एक्सिस से, मतलब ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाला। ये डिस्टेंस कितना होगा? हम यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये पॉइंट है और ये है सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये हाइट कितनी होगी आप बता सकते हो? ये साइड है एल एल एल, इक्विलैटरल है ना, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री होगा। ये होगा एल कॉस 60 और ये होगा, ये एल कॉस 60 और ये कितना होगा? एल साइन 60। तो पूरी हाइट होगी मेरी ट्रायंगल की, पूरी हाइट होगी एल साइन 60। साइन 60 होता है रूट 3/2, तो ये पूरा हाइट हो गया एल रूट 3/2। अब आपको पता होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे लाई करता है। किस पे लाई करता है? सेंट्रोइड पे। ये सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है, इट डिवाइड्स द होल लाइन इन द रेशियो ऑफ 2:1। पढ़ रखा है सेंट्रोइड इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। मतलब ये वाला पार्ट दो हिस्सा होगा, ये वाला पार्ट एक हिस्सा होगा। हमें इसी की तो लेंथ चाहिए, हमें ये लेंथ तो चाहिए ना, दिस इज द आर दैट इज रिक्वायर्ड। तो भैया पूरा हो गया तीन और ये दो हिस्सा, मतलब इसको तीन हिस्से में डिवाइड करके दो हिस्सा निकाल लो। सो दिस आर विल बी इक्वल टू एल रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाई टू हिस्सा ऑफ थ्री हिस्सा। टोटल के मैंने इसको तीन हिस्से किए और तीन में से दो हिस्सा इसको दे दिया, पहले तीन हिस्से में डिवाइड किया इसको और फिर दो हिस्सा दे दिया, दो से दो कट जाएगा, दिस विल एंड अप कमिंग एल बाई रूट थ्री। बोलो सही है, नीचे रूट थ्री लिखेंगे, एल बाई रूट थ्री, क्लियर है ना? ये 2:1 में डिवाइड हुआ, पूरे को मैंने तीन हिस्से में बांटा और फिर दो से मल्टीप्लाई किया, तो R मिल गया L बाई रूट थ्री। यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा L बाई रूट थ्री,
इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको मिल गया। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। इस पूरी बॉडी को सिर्फ सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट करें। सेंटर ऑफ मास पे कितना मास होगा? 3m। पूरी बॉडी का मास mmm। पूरी बॉडी का मास कहां पे लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, इस बॉडी पे जितनी भी फोर्स है उसको सेंटर ऑफ मास पे दिखा ले। इस पूरी बॉडी पे जितनी भी फोर्स है उसको सेंटर ऑफ मास पे दिखा ले। कोई फोर्स नहीं है बॉडी पे, सिर्फ हिंज फोर्सेस हैं। तो एक फोर्स है ऊपर की तरफ n1, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है n2। एक्सेलरेशन देखो, ए टेंजेंशियल। इधर एक्सेलरेशन कितना है? इस तरफ एक्सेलरेशन 0 और इस तरफ एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल, L by √3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इधर एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन है AC, ऐसे लिख लें। इधर एक्सेलरेशन AT जो कि 0। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब तो सारी कहानी खत्म हो गई। अब इस तरफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n1 बस खत्म हो गया। n1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। n1 इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। सो 3m इनटू एक्सेलरेशन कितना है? L by √3 इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 × √3 कैंसिल। सो फाइनल आंसर विल बी √3 mL ओमेगा स्क्वायर। बहुत खराब हो गया, बहुत गंदा हो गया। कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, इसको मिटा दूं मैं। चलो ये याद रखोगे, मैंने कैसे बताया, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड है। सो आर कैसे निकालोगे आप? आर इज इक्वल्स टू पूरा डिस्टेंस L √3/2 को तीन पार्ट में डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बी व्हाट? L/√3। ये आर है, ये यहाँ पे हमने आर को निकाल लिया। अच्छा वापस आते हैं। n1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 3m, एक्सेलरेशन AC, AC की वैल्यू L by √3 ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी, n1 विल कम आउट टू बी √3 mL ओमेगा स्क्वायर। मिल गया बच्चों। n2 की वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं। n2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो n2 इज इक्वल्स टू 0। तो कोई आपसे पूछे हिंज फोर्स कितनी है, तो सिर्फ इतनी है √3 mL ओमेगा स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है हिंज फोर्स हमारी? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, या आप बोल दो इस डायरेक्शन में है बना के डायग्राम में। क्लियर है? पक्का क्लियर है? अच्छा फिर जेई ने क्या कहा? यहां तक क्लियर हुआ एकदम? नहीं कि पहले पक्का बताओ। इसको बोला कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से हम तुरंत समझ गए एंगुलर एक्सेलरेशन 0, टॉर्क 0। हमने कहा टॉर्क वैसे भी 0, आर क्रॉस एफ होता है, फोर्स कहीं दिख नहीं रही, ये दिख रही है, और ये फोर्स एक्सिस से पास कर रही है, एक्सिस से पास करने वाली फोर्स का टॉर्क 0, आर की वैल्यू ही नहीं उसके लिए कुछ, टॉर्क 0 हो गया। हमने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस गोल गोल घूम रहा इधर सेंट्रीपिटल और इस तरफ जा रहा अभी, तो इधर टेंजेंशियल। टेंजेंशियल 0 हो गया क्योंकि आर अल्फा, अल्फा 0 था, सेंट्रीपिटल का आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये आर निकालना था, मैंने कहा पूरी हाइट निकाल ली, इस 2:1 में डिवाइड होता है, हमने ज्योमेट्री लगाई, आर निकाल लिया, ए मिल गया। फिर हमने कहा इस बॉडी का एफबीडी बनाते हैं, सेंटर ऑफ मास को रखा यहाँ, टोटल मास बॉडी का 3m, एक n1 फोर्स, एक n2 फोर्स, इधर AC एक्सेलरेशन, इधर AT, n1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया और n2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पक्का क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जेई ने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, क्या बोला हमसे इसके बाद? उन्होंने हमसे बोला इसके बाद, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। आफ्टर टाइम टी अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन BC, और जब अप्लाई किया था तब BC वापस पैरेलल हो गया था x एक्सिस के। ठीक है, इधर अपना x एक्सिस, इधर अपना y एक्सिस, तो BC वापस पैरेलल हो गया था x के। t टाइम बाद ये चक्कर zoom 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 घूम रहा होगा, तो t टाइम बाद ये वापस इसी पोजीशन में था, तब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन BC, ऐसे यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अचानक से लगा दी।
जब वापस घूम के बीसी इसी लाइन पे आया, एक बार दो बार या तीसरी बार पता नहीं। फाइंड हिंज फोर्सेस जस्ट व्हेन एफ इज अप्लाइड। एफ के अप्लाई होते ही क्या हिंज फोर्सेस पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नई फोर्स आ गई तो अब नई हिंज फोर्स क्या होगी, फोर्स या फोर्सेस? चलिए डिसाइड करते हैं क्या होगा एफ के आने से। एफ के आने से एक टॉर्क मिलेगा पूरी बॉडी को। ये देखो, ये फोर्स एफ हो गई और ये एक्सिस हो गया, तो एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो इसको एक टॉर्क मिलेगा। टॉर्क से अल्फा मिलेगा, अल्फा से एटी मिलेगा। एटी मिलते ही एन टू और एफ मिला के एक वैल्यू बनाएंगे और एन वन की वैल्यू भी कुछ होगी, देखते हैं। चलो तो टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। फोर्स कितनी है एफ, और इसका डिस्टेंस एक्सिस से ये वाला, ये हाइट हम निकाल चुके थे। हाइट कितनी आई थी हमारी, एल रूट थ्री बाई टू, ये एल था, ये एंगल 60 था, तो हाइट थी एल साइन 60, साइन 60 रूट थ्री बाई टू। सो आर की वैल्यू हो गई एल रूट थ्री बाई टू। ये फोर्स है, ये होगा फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एल, ये 60, एल साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई एफ। ये तो मिल गया हमको टॉर्क भाई, क्लियर है, ये पूरी हाइट ले ली मैंने। अच्छा, अब टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगा देंगे जिससे अल्फा मिल जाएगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट दो मास दिख रहे हैं, एक ये एक ये, ये कितना दूर है एल, ये भी कितना दूर है एल, और रॉड तो मासलेस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। कोई डाउट? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालोगे तो एक मास एम एल दूर, दूसरा मास एम बी एल दूर, टाउ। तो टाउ हो गया टू एम एल स्क्वायर अल्फा। इसको यहां रख देंगे हम, टू एम एल स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू एल रूट थ्री बाई टू इंटू एफ। हमारा मकसद है अल्फा निकालना जिससे एटी निकालेंगे, जिससे एन टू निकालेंगे, हिंज फोर्स तक पहुंचना है ना। बीच में आप भूल ना जाए क्या चल रहा है, तो एल से एल मर जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी एफ रूट थ्री, नीचे आ जाएगा टू एम एल, सही है, एफ रूट थ्री नीचे आ जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा ना, एक टू पहले से, फोर एम एल, ये हमको अल्फा मिल गया। अब अल्फा रख के हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल सकता है, तो हम वापस से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बना लिए, इस तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। जस्ट फोर्स लगने पे पूछा है, जस्ट है ना। अच्छा, तो आर कितना था इसके लिए, हमने ये वाला आर भी निकाल रखा था। ध्यान से देखो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं होगा, क्यों? ये तो चेंज ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यार जस्ट फोर्स, फोर्स के अप्लाई होते ही एंगुलर वेलोसिटी चेंज तो होगी नहीं, थोड़ी थोड़ी ना चेंज होगी। अल्फा आया है पर टाइम देंगे तब अल्फा की वजह से स्पीड बढ़ेगी, मतलब ये कहानी तो चेंज ही नहीं होनी। कोई और वर्टिकल फोर्स भी मुझे नहीं दिख रही है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, वर्टिकल को। आओ, एसी मास कितना है 3m, फोर्स कितनी ऊपर की तरफ एन वन, और कोई फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आई है। मैं ये कह रहा हूं जस्ट जैसे ही फोर्स एफ लगाएंगे ओमेगा तो बदलेगा नहीं, तो एसी वही रहेगा, तो सारी कहानी वही रहेगी, तो एन वन की वैल्यू वही आएगी जो आई थी। कितनी आई थी एन वन की वैल्यू, मेरे ख्याल से रूट थ्री एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो एन वन की कहानी तो खत्म हो गई, कोई चेंज नहीं किसी चीज में, आर भी वही रहेगा, सब वही रहेगा, क्लियर। अब चलते हैं एन टू निकालने में। एन टू बदल जाएगा क्योंकि एटी की वैल्यू इस बार आने वाली है, जीरो नहीं होगी। एटी कितना होगा इस बार, आर टाइम्स ऑफ अल्फा होगा। तो इतना नोट कर लें, फिर अपन एन टू निकालें। नोट कर लिया बच्चों, यहां तक समझ में आया? टॉर्क निकाला मैंने, फिर आई अल्फा निकाला, इधर रखा, इसी को कर लेते हैं। चलो एन वन को कहीं साइड में रखो, यहां रख लेते हैं। एन वन इज अंडर रूट थ्री एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये मिल गया। आओ यहीं पे एन टू निकाल लेते हैं। एन वन किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन, तो इसको हम एन इन y डायरेक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन फोर्स इन y डायरेक्शन, चेंज नहीं हुई। अब x में आते हैं बच्चों,
एक्स में कुछ चेंज हुआ है, मास कितना है 3m, एक्सेलरेशन at कितनी है r अल्फा, फोर्स एक n2 है और फोर्स एक नई नवेली फोर्स fb है। क्या at हम निकाल सकते हैं r अल्फा? बिल्कुल निकाल सकते हैं, at इज इक्वल्स टू r अल्फा। ये r हमने निकाला था अभी, l बाई रूट थ्री आ रहा था, ये डिस्टेंस हमने निकाला था, r यही है, l बाई रूट थ्री आ रहा था r, तो वही रहेगा। सो l बाई रूट थ्री, अल्फा की वैल्यू f रूट थ्री अपॉन 4ml, रूट थ्री मिल गया, l से l मर गया, सो at की वैल्यू आ रही f बटे 4m, तो at हमें मिल गया f बटे 4m। अब दो फोर्सेस इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, सो f प्लस n2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, f बटे 4m, m m कट गया, 3f बटे 4, सो n2 विल बी 3f बटे 4 माइनस f, कितना हो जाएगा माइनस f बटे 4। तो जो नॉर्मल रिएक्शन n2 या x डायरेक्शन में है वो है माइनस f बटे 4। माइनस इसलिए आया कि किधर लगेगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है सारा सवाल? एक एक करके मैंने कंसेप्ट वाइज ये सवाल समझाया, जिससे आपके आगे के भी बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा का एक्सटेंशन। इसके बाद होपफुली हम वीडियो बनाएंगे एंगुलर मोमेंटम पे, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।